हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो एक्सेल की है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सीखेंगे दो फॉर्मूलों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि डेज 360 फॉर्मूला कैसे यूज होता है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर मैंने यहाँ पे बॉर्न डेट लिखा है, मतलब कि कुछ लोग हैं जिनकी जन्म तिथि मैंने लिख दी है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख दिया है। और अब यहां पे करंट डेट लिखूंगा, तो देखिए करंट डेट है 22/7/2021, यहां पे दिख ही रहा है आपको। करंट डेट लेके आने के लिए एक फॉर्मूला यूज करूंगा टुडे, ठीक है। और ये टुडे फॉर्मूला लगा लिया हमने, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, तो 22/7/2021 यहां पे आ गया, टुडे का डेट आ गया, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो क्लियर है। अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे डेज 360, तो यहां पर लिखता हूं डेज 360, नीचे आ रहा है, आप इस फॉर्मूले को लगाइए। यहां पर आपको क्या करना है, बॉर्न डेट सेलेक्ट करना है, कॉमा दीजिए और यहां पर आप एंड डेट सेलेक्ट कर लीजिए, मेथड कुछ भी यूज कर लीजिए, यहां 01 कुछ भी लगा लीजिए और एंटर प्रेस कर लीजिए। तो यहां पे इन दोनों के बीच में दिनों की संख्या कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट करके दे रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था डेज 360 फॉर्मूला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे फॉर्मूले की, जिसकी मदद से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली, ओके। तो वो फॉर्मूला कौन सा है, तो देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है डेट डेफ का, तो उसकी मदद से इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए डेज 360 वाला फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं, डेज 60 वाला 360, तो इसमें आपको दिक्कत यह है कि एक साल में 365 दिन होते हैं और 360 के हिसाब से ये कैलकुलेट करके देता है, तो आइए डिफरेंस देखते हैं। तो यहां पे अब मैं फिर वापस से डेज कैलकुलेट करने वाला हूं, तो यहां लिख देता हूं मैं डेज, ओके, और यहीं पे कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो इज इक्वल टू डेट डिफ, ये फॉर्मूला लगाएंगे डेट डिफ, ओके, लगा दिया। अब यहां पे करना क्या है, देखिए यहां पे डेट डिफ तो लगा दिया है हमने, लेकिन यहां पर सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है ये वाली डेट, ठीक है, कॉमा देंगे, फिर ये वाली डेट सेलेक्ट करनी है, डेट करना है। तो यहां पर डबल डॉटेड कॉमा ओपन किया, कैपिटल में डी लिख दिया मैंने और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और अब एंटर प्रेस करूंगा। तो ये देखिए यहां पर दिनों की संख्या में और यहां पर दिनों की संख्या में अंतर आ गया। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये 360 दिनों के हिसाब से कैलकुलेट करता है और ये 365 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको देता है। तो यहां पर आपको दिनों की संख्या में डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसमें दिनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी जबकि डेज 360 में कम हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।